अंदर फोटो राजू का रश्मि रंजन बेहरा, मैं जिला सुरक्षा दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ बजरंग दल में। आज आप लोग थाना का घेराव किस लिए किए? थानाओं का घेराव इसलिए किया कि हम लोग को कल सूचना मिला कि हम लोग का नेता प्रांत के जो गोरक्षा प्रमुख है राजू सिंह, उनको पुलिस अरेस्ट कर लिया था और हम लोग को किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो हम लोग उनको पता करने के बाद सूचना से मिला कि उनको एक आर्म केस, मतलब वेपन का केस में उनको पकड़ा गया करके। तो उसके बाद हम लोगों उनको कोई सूचना नहीं दिया गया और मिलाया नहीं गया, कुछ भी नहीं किया। तो सवेरे कल हम लोगों उनको बोला गया कि आप लोगों राजू सिंह को सवेरे मिल सकते हो। तो आज सवेरे हम लोग जब राजू सिंह से मिला, मुलाकात किए, तो वहां से हम लोग को पता चला कि राजू भाई का घर से और कार्यालय से कहीं से भी कुछ वेपन डायरेक्टली मिला नहीं है। और ये एक हम लोग को लग रहा है कि ये एक साजिश है, क्योंकि राजू भाई कुछ दिन पहले हम लोग का मीडिया उड़िया में ये प्रशासन के खिलाफ बहुत सारा ये उठाए थे, आवाज़ उठाया गया था। तो हम लोग को सोच रहा है कि ये सोची समझी कोई चाल है और हम लोगों ने इसका पुनः जांच मांग करते हैं। और एसपी जी क्या कर रहे हैं और ये निर्दोष लोग को क्यों उठा रहे हैं? यहाँ पे इतना कारनामा हो गया, नाला रोड में इतना सारा, एक डेड बॉडी में इतना सारा आदमी आ गए, उसको तो आदमी अभी तक अरेस्ट नहीं कर पा रहा है, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, वहाँ पे 30-40 जन को अरेस्ट करके बस बैठ गया और यहाँ पे बिना मतलब का, कुछ मतलब नहीं है, एक आदमी को फंसाया जा रहा है। तो हम लोग का ये मांग है कि तुरंत रिहा किया जाए और राजू भाई को तुरंत रिहा किया जाए और क्या बोलते हैं कि और इसका तुरंत जांच किया जाए, एक बड़ा जांच किया जाए कि ऐसा आदमी लोग, नॉर्मल आदमी को हर चीज में ऐसा फंसाया जाएगा तो फिर यहाँ पर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका कहना है कि जो राजू सिंह है बजरंग दल के कार्यकर्ता है, उनके साथ रच के उन्हें गिरफ्तार किया गया? हाँ, जाहिर सी बात है, वो हिंदू का इतना बड़ा नेता है तो ये साजिश के तहत किया जा सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। हम लोग को पूरा जांच का ये दिखाया जाए। अभी उनके खिलाफ क्या याचिका दायर हुई है? अभी याचिका दायर का कोई ये नहीं है, लेकिन वेपन केस का ही लोग बात कर रहा है कि उनका हाथ से वेपन पकड़ा गया है, लेकिन कहाँ पकड़ा गया, क्योंकि उनका घर से नहीं पकड़ा गया, कार्यालय से भी नहीं पकड़ा गया है, कार्यालय का भी पुलिस सर्च किया, कहीं भी नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, उन पे कब्जा का दफा लगाया? नहीं नहीं, उसका अभी कोई पुष्टि नहीं हुआ है कौन सा दफा लगाया, लेकिन कल से लेके उनको घुमाया जा रहा है, यहाँ थाना पे है, वो थाना पे है, कोर्ट के पास लेके गया, फिर अभी उदयनगर पुलिस लेके आए, छेंड पुलिस स्टेशन लेके गए, ऐसे घुमाया जा रहा है। तो पुलिस अगर षड्यंत्र कर रही तो आप लोग पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे? हाँ, अगर ऐसा सही रहेगा तो हम लोग बिल्कुल जाएंगे पुलिस के खिलाफ। तो अब तक आप लोग मामला दर्ज क्यों नहीं किए उन्हें बिना वजह का यहाँ से वहाँ? देखिए, अभी इसका पुष्टि चल रहा है, पुष्टि जैसे खत्म हो जाएगा, हम लोग को क्लियर हो जाएगा तो हम लोग जरूर मामला दर्ज करेंगे। जय श्री राम, मैं केदार प्रियदर शिवारी बजरंग दल का कार्यकर्ता। आज आप लोग उदयनगर थाना का घेराव क्यों? देखिए, हम लोग का पश्चिम ओडिशा गोरक्षा प्रमुख प्रांत का जो रहे हैं राजू सिंह, उनको कल से पुलिस अरेस्ट कर लिया है झूठे केस में, इसी के लिए हम लोग घेराव किए हैं कि कल से उनको हर थाना घुमाया जा रहा है। और पुलिस, जब राजू भाई ने पर्दाफाश किए थे कि नाला रोड में जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले दिन में, पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, इसके विरोध में जनाजा निकला, 2,000-3,000 आदमी का भीड़ से इसका खुलासा किए, इसको एक षड्यंत्र रचा के पुलिस इनको, मतलब ये का हिसाब से अरेस्ट कर रहा है, बदलाव के भाव से अरेस्ट कर रहा है। ये हम लोग पूरा विरोध करते हैं, राजू भाई को तुरंत रिहा किया जाए। तो उनके ऊपर जो वेपन केस लगा हुआ है वो पूरा झूठ है, वो साजिश है पुलिस प्रशासन का, आगे कोई पुलिस प्रशासन का अगेंस्ट में ना बोले, इसीलिए उनको ये सब चीज़ किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोग आगे पुलिस प्रशासन का अगेंस्ट में जाएंगे, पुलिस प्रशासन का अगेंस्ट में केस भी करवाएंगे राजू भाई के वाइफ के थ्रू से। यह हम लोग का डिसीजन हो गया है ऊपर लेवल में।
अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या अभियोग है? मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या ऑब्जेक्ट है आपका, अभियोग क्या है? पुलिस प्रशासन झूठा केस में सबको डाल रहा है। जो पुलिस प्रशासन को जो इतना दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, जो भाई लोग, हिंदू भाई लोग, जो हिंदू लीडर लोग हैं या जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पथराव हुआ, पथराव का खिलाफ में जो बोले उनको ही पुलिस अरेस्ट कर रहा है। जो पथराव किए आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। जो 200-300 आदमी का नाम है उनमें से 30-31 को अरेस्ट करके बाकी सबको छोड़ दिया गया है। सबको अरेस्ट करें, मतलब किसको अरेस्ट किया? राजू सिंह के अलावा? ओनली राजू सिंह को ही अरेस्ट। राजू भाई का रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, राजू भाई का रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, रिएक्ट करो। पुलिस प्रशासन चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो। पुलिस प्रशासन चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो। पुलिस प्रशासन चूड़ी पहनो। राजू सिंह रा मिसेस कहूँ तांकू बिना दोषरे तांकू नहीं आसी काली से घर बाहर थे घर बाहर पर घर आसे तो छिनछान कर छत्र कर गले बार बार तक आम पचारूँ कौन है कौन है कौन से किसी ना कि घर छीन छत्र कर पलैले फिर भी तक नहीं गल आम बार बार पचारूँ कौन है कौन कि बिना दोष दोष दिहि पुलिस घर को चेकिंग किसी बाहर लानी किसी बाहर लानी बिना दोष जाइन पुरा केस आउरी रीओपन करी तांको से सब केस तांको फसा होची तांको पकर किछि भी नथला से बिना दोसरे दोषी हेइ चंदी ये ताले किछि एडा एसपी रो सब काम कथा षडयंत्र सब षडयंत्र चलची ए जो पुरुणा केस तांकर जो नाला रोड जो केस आइतला से न्यूज जो ओपन करतिले से ओपन को तांको टारगेट रखा आइची से एसपी सदार सब काम करची सब जिंस तो आप लोग का क्या अभी ड्यूटी कुछ नहीं मेरा प्रति को न्याय करें उनको न्याय मिले हम लोग का दाबी है और ये एसपी ऐसे मतलब वो अपना मतलब कि वो खुद का पुलिस प्रशासन के तो अभी जो करेंगे हम लोग नहीं तो आगे का आपका स्टेप क्या अगर उनको रिहा नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी करेंगे।